नमस्कार, रितुज किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई पनीर। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है। इसके बाद में अब मैं यहाँ पर जीरा ऐड कर देती हूँ। जीरा हमारा ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद में हम यहाँ लहसुन की कलियाँ ऐड कर देंगे, साथ में अदरक ली है उसे ऐड कर दिया है, और अब हम यहाँ पर काजू ऐड करेंगे। इसके बाद में एक बार हम चम्मच की सहायता से इन्हें चला देंगे। और अब हम यहाँ पर हरे टमाटर मैंने लिए हैं, उन्हें यहाँ ऐड कर सकते हैं। आप लाल टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, पर हरे टमाटर से इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, इसलिए यहाँ ऐड किए हैं। अब हम यहाँ पर प्याज ऐड कर देंगे और इन्हें चम्मच से चला लेंगे। अब हमने ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, इसके बाद में एक बार इन्हें देख लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर और प्याज गल जाएं। इन्हें पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम दूसरी कढ़ाई लेते हैं, यहाँ हम घी लेंगे, उसमें तेज पत्ता ऐड कर देते हैं। इसके बाद में हम यहाँ सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे, उन्हें हमने इस तरह से मोटा मोटा काटना है और इन्हें हल्का फ्राई करना है। जब प्याज फ्राई हो जाएंगी उसके बाद में हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ये देखिए, सारी प्याजें हमने यहाँ कढ़ाई में से निकाल ली हैं और इन्हें एक प्लेट में रख लिया है। अब इसके बाद में मैं यहाँ शिमला मिर्च भी इस तरह से मोटा काट के ऐड कर देती हूँ। इन्हें भी हमें हल्का ब्राउन होने तक सेकना है। इसके बाद में हम प्याज और इन्हें चेक कर लेते हैं, इस तरह से गल गए हैं। अब इन्हें ठंडा होने पर पीस लेंगे। शिमला मिर्च हमारी भुन चुकी हैं, अभी नहीं, हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमें प्याज और जो टमाटर हमने मिक्सर जार में ले लिया है, और इसमें अब हम इलायची ऐड कर देते हैं, साथ में हरी मिर्च ऐड कर देंगे। और मैंने खसखस होती है उसे ऐड किया है, मैंने आधे घंटे के लिए इन्हें भिगो कर रख दिया था, उसके बाद में इसे छान के इस तरह से ले लिया है। अब हम इन्हें पीस लेंगे। उसी कढ़ाई में पीसने के बाद में हींग ऐड करने के बाद में हमें सारा बैटर ऐड कर देंगे और इन्हें चम्मच से चला लेंगे। इसमें अब हम थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे और दूसरे मसाले भी ऐड करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ा सा नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं, धनिया पाउडर, और साथ में हम एक चम्मच की सहायता से इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इस दौरान गैस की फ्लेम को आप लो ही रखें, हाई फ्लेम पर इसे ना पकाएं। और हमें एक स्मूथ ग्रेवी तैयार करनी है। इस तरह से मिक्स हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यहाँ हम जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और साथ में दालचीनी का पाउडर भी ऐड कर देंगे। इन्हें अच्छे से
अब हम मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद में एक बार फिर से इसे चेक कर लेते हैं। हमारी ग्रेवी एकदम से रेडी है। अब हम इसमें कटी हुई जो प्याज और शिमला मिर्च हमने गोल्डन ब्राउन की थी नया हम ऐड कर देते हैं। और इन्हें अब अच्छे से इसमें मिला लेंगे। चम्मच से मिलाने के बाद में अब हम इसमें जो पनीर है वह भी ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर ली, उसे हम यहाँ मिक्स कर देते हैं। हमें इसे पतला नहीं रखना है, एकदम से ठीक गाढ़ी ग्रेवी तैयार करनी है। चम्मच की सहायता से अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। साथ में एक चम्मच चीनी यहाँ ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। आप अगर नहीं डालें तो नहीं डाल सकते हैं। कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं, इसे टेस्ट इसका अच्छा हो जाएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। साथ में थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे। और ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद में सब्जी एकदम रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी एकदम बनकर तैयार है। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपको, ताकि रोजाना इस तरह की वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद।